24 घंटों के अंदर यूक्रेन युद्ध पर ऐसे हालात बन चुके हैं कि एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ नेटो है और अब बीच में वर्ल्ड वॉर के साथ परमाणु धमाके का खतरा सताने लगा है। और इस वक्त यूरोप में यूक्रेन के बाद लंदन दुनिया के नक्शे पर वो जगह बन गई है जहां परमाणु धमाके का सबसे बड़ा एपिसेंटर बनने का डर सताने लगा है। नेटो खौफ में है क्योंकि आशंका है कि लंदन इस वक्त पुतिन का टारगेट नंबर 1 बन चुका है। अगर परमाणु बम लंदन पर गिरा तो ब्रिटेन की राजधानी का क्या हाल होगा? लंदन के सेंटर में बम गिरने से 3 किलोमीटर बड़ा आग का गोला सब कुछ जलाकर राख कर देगा। रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया गया है कि ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। लंदन पर परमाणु हमला हुआ तो ब्रिटेन की संसद धूल में तब्दील हो जाएगी, यहाँ प्रधानमंत्री का निवास सब कुछ खत्म हो जाएगा, बकिंगम पैलेस से लेकर लंदन का ऐतिहासिक पुल जब सब ढह जाएगा। इस हमले में 4 लाख से ज्यादा लोग फौरन मारे जाएंगे जबकि 9 लाख की आबादी बुरी तरह जख्मी हो जाएगी, यानी उसके तीसरी डिग्री के जलने वाले जख्म होंगे। इनमें से भी ज्यादातर लोगों की कुछ देर बाद मौत हो जाएगी। लंदन पर सबसे बड़ा खतरा क्यों मंडरा रहा है, इसे समझने के लिए आपको यूक्रेन ले चलते हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में ये आग बता रही है कि पुतिन का गुस्सा पूरे यूक्रेन को जलाना चाहता है। यहाँ पुतिन के हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एक एक जान को बचाने की कोशिश चल रही है। हमला इतना खतरनाक था कि ज़ेलेंस्की के हाथ से युद्ध निकल चुका है, ये बात बार बार साबित हो रही है। उनका एक एक डिफेंस सिस्टम दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। Все повылетало, побежало по тем комнатам с той стороны. Стекол нет, брам нет, ничего нет. 9-й этаж. ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने 24 घंटों के अंदर 128 गाइडेड बम से तबाही मचाई है, यानी हर घंटे पुतिन 5 से ज्यादा बम यूक्रेन पर फोड़ रहे हैं। और ये हमले ज्यादातर खार्किव, सूमे और डोनेस्क में किए जा रहे हैं। इस हमले में 30 लोग जख्मी हुए हैं जिनमें से 3 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि रूस का एक गाइडेड बम खार्किव के आसमान को चीरते हुए इस बिल्डिंग पर आ गिरा। ये बात तो ज़ेलेंस्की भी पूछ रहे हैं कि उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है, जबकि युद्ध से तबाही का मंजर रोज खौफनाक होता जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों अब एक दूसरे की बहुमंजिला इमारतों को टारगेट कर रहे हैं। युद्ध बहुत ही भयानक दौर में पहुंच गया है। За одну минулу добу 128 кровних халявин. लेकिन बॉर्डर के पार रूस में क्या हुआ है जिसने पुतिन को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है? देखिए बेलग्रद के ये वीडियो। इन धमाकों ने ज़ेलेंस्की का एजेंडा साफ कर दिया है। रूस के अंदर ऐसे खतरनाक हमलों को देखकर पुतिन बहुत बेचैन है, जबकि ज़ेलेंस्की ने पुतिन को रोकने के लिए फिर से अपनी पुरानी डिमांड पेश की है। І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. अब ज़ेलेंस्की की इस डिमांड का सबसे बड़ा जवाब वॉशिंगटन डीसी से नहीं बल्कि लंदन से आया है, यानी ब्रिटेन से। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने पर विचार कर रहा है, यानी ऐसी मिसाइल जो रूस के अंदर हमला कर सकती है। That we've increased spending on Ukraine $3 billion a year on for military equipment for as long as it lasts. They wanted more missiles. We've given them Brimstone missiles, 650. We announced more munitions, more artillery guns.
that they need. And of course, we're discussing with allies a range of systems to ensure that we assist Ukraine in getting through the winter and repelling some of the worst action and aggression that we've seen from Putin in recent times. ब्रिटेन अब रूस के खिलाफ रिस्क लेना चाहता है। वो ऐसा खतरा मोल लेना चाहता है जिसका जवाब पुतिन ने देने का फैसला पहले से ही कर लिया है और वो इस फैसले का ऐलान दुनिया के सामने कर चुके हैं। прямое участие и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. सवाल है कि क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव हैं। रूस के लगातार हमलों के बीच जेलेंस्की की लाचारी, नेटो की मजबूरी और बाइडेन की बेचैनी देखने लायक है। पुतिन की धमकी का मतलब है 96 करोड़ लोगों पर वर्ल्ड वॉर का खतरा। पुतिन ने कह दिया है यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देकर अब नेटो रूस के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ना चाहता है। идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. रूस के लगातार हमलों के बीच जेलेंस्की की लाचारी, नेटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे इल्जाम और नेटो पर बड़े हमले की तैयारी वाली बातें, इन सब को समझाने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना, जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली इस्किंदर मिसाइल है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है ये। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा। RS-36 Saturn, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28 सरमत, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल है RS-24। जंगल में छुपते हुए आगे बढ़ता हुआ ये ट्रक ही इसका लॉन्चर है। पुतिन कई बार इसकी टेस्ट लॉन्चिंग दिखा चुके हैं। अब डर है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान इसका असली प्रैक्टिकल भी देखने को न मिल जाए। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यास की रेंज 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 स्टेलेटो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है, रेंज 10000 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो लंदन कैसे बचेगा? मुद्दा बहुत बड़ा है, वर्ल्ड वॉर का खतरा है। हालांकि जेलेंस्की को फिक्र अपने खार्कीव की है, सूमे की है और डोनेस्क की है, जबकि वो खुद अपनी कैपिटल कीव में बैठे हैं। Кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії, усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. जेलेंस्की की बातों को अभी तक अमेरिका ने नजरअंदाज किया है, लेकिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बयान जाहिर करता है कि नेटो पुतिन की धमकी को गंभीरता से नहीं ले रहा। पुतिन के गुस्से का मतलब क्या है? क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ?
के टारगेट पर दुनिया के कौन कौन से शहर होंगे? न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, बर्लिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है, और अगर नेटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे। अगर इन शहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? पुतिन का गुस्सा जलाकर राख कर देगा, ये बात तो बाइडेन भी जानते हैं, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो भी जानते हैं, जर्मनी के ओलाफ शॉल्ज भी जानते हैं, और ब्रिटेन के पीएम केयर स्टार्मर भी पुतिन के गुस्से से वाकिफ हैं। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है, वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। पुतिन की मिसाइल के टारगेट पर नेटो का हर बड़ा शहर है, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पुतिन की धमकी को हल्के में लेने की गलती वर्ल्ड वॉर को दावत कही जाएगी। इसलिए युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में जो अंगारे देखने को मिल रहे हैं उसमें यूक्रेन का अंगारा गाजा से भी खतरनाक है, क्योंकि इस जंग में बार बार बताया जा रहा है कि रूस के परमाणु हथियार लगातार एक्टिव बने हुए हैं।